हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम था, 8 बज चुके थे और बिट्टू को फर्स्ट टाइम स्कूल जाना था। तो मैं उसके लिए लंच बनाने जा रही थी। तो लंच में मैं उसके लिए आलू टिक्की बनाने जा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना शेयर करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है तेल डालने के बाद। तो जीरा में चिपक गया, मैं उसमें डाल रही हूँ प्याज। और प्याज डाल, प्याज को भी मैं भून लूँगी। ये देखिए प्याज मेरा हो गया। मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, वो जो नमक है, नमक मैंने मिर्च वाला डाला है। इसको ऐड करने के बाद उसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। आलू को अच्छे से मिक्स करना है 2 मिनट तक, इसे भून लेना है। बहुत ही अच्छे ये आलू बनते हैं, फटाफट बन भी जाते हैं 5 मिनट में। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती बच्चों को, मेरी बिट्टू को तो बहुत ही पसंद है। तो मैंने ये लंच में बनाया था और उसके बाद मैंने बनाई थी पूड़ियाँ। ये देखिए मेरी बनके हो गई है रेडी। अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है। फिर मैं निकाल रही हूँ पूड़ी। पूड़ियाँ देखिए मेरी कितनी अच्छी से फूल रही हैं। मैंने पूड़ी बना ली। अब ये मैं अपने हस्बैंड और बिट्टू को करना है। अब फिर मैं इसको तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप कितनी खुश है बिट्टू हमारी जाने के लिए। चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ और जाने के लिए उसे कर रही हूँ मैं रेडी। और देख सकते हैं आप, अनिका काफ़ी खुश है जाने के लिए और ये इसकी मस्ती चल रही है बराबर। बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती अनिका कितनी ज़्यादा खुश थी स्कूल जाने के लिए। सभी बच्चे फर्स्ट टाइम जाते तो बहुत रोते हैं, पर अनिका नहीं रोई थी, बहुत खुश खुश गई थी। ये देखिए इसकी मस्ती चल रही है बराबर। और मैं लेने गई थी उसकी क्रीम। अब देखिए मैं इसकी लगाने जा रही हूँ क्रीम और फटाफट मैं इसे रेडी कर दूँगी। इसका 9 बजे का स्कूल था, मैंने लंच बनाया और इसका लंच मैंने बांध दिया है और बॉटल में पानी भी भर के रख दिया है। अभी देखना है आप लोगों को दिखा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ। बोलो बोलो, क्या बोलना है? हेलो गाइस, आज मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ। आप भी चलोगे मेरे साथ? गाइस, और इसका ऊपर वाला है गाइस, और इसका नीचे वाला है गाइस। अच्छा, और इसका है पूरी अपने वाला गाइस, साथ साथ लैब रूटीन। हेलो गाइस, आपको जो ये मेरा सामान पसंद था, अब ये दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। बिट्टू हमारी हो गई है रेडी जाने के लिए। ये देखिए जा रही है, बिल्कुल भी नहीं रोई जाने के टाइम पे, और अपने पापा के साथ जा रही है। ये है हमारे हस्बैंड बिट्टू, उसको छोड़ने जा रहे हैं उधर ही से। उनको जाना था सीतापुर, तो वो उधर ही से सीतापुर निकल जाएंगे। और दोपहर में उसके चाचू लेने गए थे उसे। तो ये देखिए अनिका जाने के टाइम पे मुझे बस एक बार हग करिए बस। और आप लोग देख ही सकते हैं वो जा रही है, तब मैंने कैप्चर नहीं किया था। फिर ये देखिए जा रही है, ये मेरे मेन गेट का है। ये देखिए जा रही, बस बाय कर रही है बस। छत पे कपड़े सुखाने के लिए धूप बहुत अच्छी आ गई है। अनिका स्कूल गई है, मैंने आप लोगों को दिखाया। अनिका फर्स्ट टाइम स्कूल गई है, उसका एडमिशन हो गया था मार्च में, लेकिन कोरोना आ गया था इस वजह से स्कूल सारे बंद हो गए थे। अभी ओपन हुए हैं तो
टीचर का फ़ोन आया था सर का कि बच्चे को भेजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल पे ही जाएगी, और वो बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। उसने सिर्फ मुझे एक बार ही गले लगाया है, वो भागते हुए चली गई। आप लोगों ने देखा उसके चेहरे पे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मम्मा से हम दूर जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी खेलने के लिए। वहाँ जाएंगे, लंच लेके जाएंगे, लंच लेके जाएंगे, बस लंच लंच करते हुए। देखो आज का दिन उसका कैसा रहे वहाँ पे, आई होप अच्छा ही रहे और वो अच्छे से वहाँ पे बैठे जाके पढ़ाई करे। तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, अनिका गई है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन खुश भी बहुत हूँ कि अनिका बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। और वो अब आएगी 1 बजे की टाइम, तो देखो लेने कौन जाता है। यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है अनिका का स्कूल, उसके पापा छोड़ने गए हैं, उधर से वो सीतापुर चले गए हैं, फिर उसके चाचू लेने जाएंगे। मैंने बोला था मैं आऊँगी लेने, तो कह रही है नहीं चाचू आएंगे, तो आज उसके जाएंगे चाचू लेने। तो जब आएगी तब आपको उसका रिएक्शन दिख। ये देखो बिट्टू आ गई है, मुंह बना रही, इस खाने का मन नहीं था इसलिए आके सीधे हमारे गले लग गई। हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल खानी हमारे पास, और अनिका ने लंच ही नहीं किया है। ये देखिए ऐसे ही पूरी और सब्जी सब वापस आ गया है। अनिका तो ठीक, कोई बात नहीं, कल उसका आने का मन नहीं था, कल फिर जाएगी बिट्टू, फिर इसको हम लंच करा देते हैं। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं दोपहर में, मेरा मन किया तो मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। मेरे वहाँ तो पंजीरी बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो अदरक ली है। तो मैंने ऐसे ये अदरक साफ करके काट ली है, ये भी अदरक ही है, इसको मैं मिक्स में पीसने जा रही हूँ। और ये है हल्दी, ये देखिए अदरक को मैंने पीस लिया है और हल्दी भी पीस ली है, और ये जीरा, और ये है अजवाइन, ये भी सब पीस गए हुए हैं। और फिर अभी हम आपको अपना देसी चूल्हा दिखाते हैं, जो छत पे अभी बना है ईंटों का, ये देखिए इसी पे बनेगा। अब हम जा रहे हैं इस पे बनाने, तो अभी आपको दिखाई। गाइज ये मैंने अदरक को मैंने भून लिया है, इसको भूनने में हमें 30 मिनट लगे हैं भूनने में। और इधर है जीरा और अजवाइन, उसको भी मैंने भून लिया है। और जो क्या थी हल्दी, उसे भी मैंने भून लिया, वो क्लिप सॉरी बिट्टू ने डिलीट कर दी है। मैंने पूरा भी बनाया था, सारी क्लिप थी, लेकिन उसने अभी 2 मिनट में ही सारी क्लिप डिलीट कर दी। थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने आपको मैंने सोचा क्यों ना दिखा देते, सारी मेहनत ही आज की मेरी ख़राब हो गई। तो इसको मैंने अदरक को आधे घंटे तक भूना था, जब तेल इसने छोड़ दिया है तब मैंने इसको निकाला है। और ये जीरा भी 5 मिनट तक भूना है, और अजवाइन दोनों एक में मिक्स करके। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें गुड़ मैंने इसको डाला था, आधा ग्लास पानी और गुड़ को मैंने इसको खौला लिया है 2 मिनट तक। उसके बाद इसमें मैंने वही आधा मसाला डाला, क्योंकि मैं 2 बार में बना रही हूँ इसलिए। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट में लिए हुए हैं मखाने और नारियल, ये मैं डालूँगी। ये देखिए मेरा ये बन चुका था, तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा देते हैं। तो अभी आगे का बन कैसे मैंने बनाया वो भी प्रोसेस मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये मेरी बन चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, और अभी मैं दूसरी तरफ बनाने जा रही हूँ, ये कढ़ाई से निकाल दूंगी फिर मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए ये वाली पंजीरी बन गई है, मैंने खूब ढेर सारी बनाई थी, धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये देखिए कढ़ाई में मैंने ये आधी ग्लास पानी डाला है, ये खौल गया है। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ गुड़, तो गुड़ को भी डाल देते हैं। मैंने ये तीन बार बनाया था, क्योंकि ज़्यादा था मेरा ये,
मसाला इसलिए एक बार में बन नहीं रहा था, कढ़ाई थी छोटी इस... ये देखिए मैं उसमें डाल रही हूँ गुड़। गुड़ डालने के बाद गुड़ मैंने डाल दिया है, इससे मुझे खौलाना है बस 2 मिनट तक। जब इसमें खौल आ जाएगी और ये पूरा पिघल जाएगा, ये देखिए ये वो पिघल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी मसाला, तो मसाला भी मुझे ये देखिए मैं डाल रही हूँ अदरक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अजवाइन और जीरे का ये जो मैंने बनाया था भून के वो, और ये देखिए बन गई है मेरी बन के। अब इसमें मैं डालूंगी अभी ड्राई फ्रूट, वो मैं निकाल रही थी, ये देखिए मैंने डाल दिया है इसमें सारे मसाले। और ये बस भूनने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बन जाती है। जितना भी टाइम लगता है वो भूनने में ही लगता है, अदरक और ये जीरा और ये हल्दी सब कुछ। ये देखिए ये देखिए पंजीरी मेरी बन चुकी है और ये इसका फाइनल लुक है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठंड में ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। सर्दी जुकाम भी इससे ही ठीक हो जाता है और हमारे वहाँ हर बार सर्दी में ज़रूर बनती है, ठंड में सबको खाने में बहुत ही पसंद आती है। तो क्लिप डिलीट हो गई है, जो नहीं डिलीट होती तो आप लोगों को सही से समझ में आता, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ये देख सकते हैं इस कितनी अच्छी देखने में लग रही है। जब मैं एडिटिंग कर रही थी मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। एक बार ट्राई ज़रूर करना। ओके बाय।